Hello student, today we are going to start a new chapter that is microorganism. But before we start in this chapter, we are going to talk about what are the topics we are going to be covering in this chapter. Okay, let's start with this. First, we start with the definition of microorganism. Then we will do where do microorganisms live. Next, classification of microorganisms. Although microorganisms are classified into the 5 groups: bacteria, virus, algae, fungi, and protozoa. Okay? Next, we will discuss about the useful of microorganism and then harmful of microorganism. Next, role of microorganism in nitrogen cycle. And last but not the least, we are going to discuss about the back exercise and its question answer. ओके एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब एक एक टॉपिक कवर होगा उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. चलिए हम डिफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आईज. इसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप. और इस टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी करते हैं उस साइंस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊँगी, जैसे हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बॉटनी. एनिमल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जूलॉजी. सेम लाइक जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी करते हैं उस साइंस को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक, नेक्स्ट आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर जगह पाया जाता है, हर जगह. इवन कि आप ये जो पेपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये A4 साइज का ये पेपर है, इसमें भी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होगा. इवन कि ये जो मेरा हैंड है इसमें भी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता हमें. होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारा होता है इसमें भी. ठीक है, ऐसे ही हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे कि एयर है, सॉइल है, वाटर बॉडीज है, डेड ऑर्गेनिज्म्स है, और इन हमारे बॉडीज के अंदर है, फूड है, हर जगह पाए जाते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो ऐसा भी होता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन यानी हार्श कंडीशन में भी पाया जाते हैं, जैसे कि ड्राउट है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, डिजर्ट है, पोलर रीजन है, मर्शी लैंड है, ऐसे एरिया में भी पाया जाता है. अब मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हार्श कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनकी आउटर सर्फेस पर एक कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं सिस. जैसे मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है तो इसके आउटर कवर पर, आउटर बॉडी में एक कवरिंग होता है जिसको हम सिस कहते हैं. और ये सिस जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हार्ड कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, चलें. अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होता है और इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है. डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में इसको क्लासिफाइड किया हुआ है. हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे. बैक्टीरिया क्या होता है सबने सुना है. ठीक है, बैक्टीरिया जो है एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, बैक्टीरिया जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म से, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है. अब बैक्टीरिया देखने में कैसे होते हैं मैं आपको एक इमेज के ज़रिए दिखाऊंगी, जैसे कि ये है, ये बैक्टीरिया ऐसे दिखाई देते हैं. और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये फ्लैजिला है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये फ्लैजिला हर बैक्टीरिया में नहीं होता है. ठीक है, चल अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम शेप्स के बारे में. बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग शेप्स का होता है और ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया क्लासिफाइड किया हुआ है 4 ग्रुप में. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो है रॉड शेप का होता है, ये इस तरह से रॉड शेप का होता है और हम इसको बैसिला कहते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे करके स्पाइरल शेप का होता है जिसको हम कॉकी कहते हैं. कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप का होता है जिसको हम विब्रो कहते हैं. और कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होता है जिसको हम स्पाइरला कहते हैं. अगर हम इमेज के जरिए दिखाएंगे तो इस तरह से होता है. ये जो ब्लू कलर का राउंड शेप का है, देखो ये बैक्टीरिया, ये कॉकी है. और ये बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो रॉड शेप का है, दैट मीन ये क्या है? बैसिला है. और ये वाला बैक्टीरिया जो है स्पाइरल शेप का है, फिर उसके हिसाब से ये बन गया स्पाइरला. और ये बैक्टीरिया देखो ये कॉमा शेप का है, दैट मीन ये है विब्रो. ठीक है, अब जितने भी बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. इसीलिए जितने भी बैक्टीरिया है उसको 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया हुआ है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया मतलब यानी
जो बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया है, जैसे कि ह्यूमन बींग है, हम लोग बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या है एरोबिक ऑर्गेनिज्म से, सेम लाइक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, फिर वो एरोबिक बैक्टीरिया है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, दैट आर द एनएरोबिक बैक्टीरिया। और कहा जाता है कि बिलियन ऑफ ईयर्स एगो जब अर्थ फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन हुआ था, तब पहला जो बैक्टीरिया था वो एनएरोबिक बैक्टीरिया था। चले उसके बाद होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया क्या खाते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया होता है, सम बैक्टीरिया ऐसा है जैसे कि साइनो बैक्टीरिया है जो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और इसके हिसाब से ये क्या बन गया ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या है हीटरोट्रॉफ्स, यानी किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहता है फॉर द फूड के लिए। ठीक है, अब ये जो हीटरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया है उसको फर्दर टू ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रोथ होता है और उनसे ही एनर्जी लेते हैं, उनको हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ही रहते हैं और उनसे ही खाना लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। जैसे कि मान लो हम लोग कहते हैं ना हमारा स्टोमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होता है और हमारा स्टोमक से वो फूड लेते हैं, हमारा स्टोमक में ही सर्वाइव करते हैं, दैट मीन वो क्या बना एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया बना। चले रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया जो है अपने पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन मतलब जब एक सिंगल सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया बाइनरी फिशन कैसे करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक सिंगल बैक्टीरिया है जिसको हम पेरेंट्स बैक्टीरिया कहा जाता है, और ये पेरेंट्स बैक्टीरिया फादर जाके ये डिवाइड करने की कोशिश करता है और लास्ट में ये डिवाइड हो जाता है और टू डॉटर बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं, और यही बैक्टीरिया फादर फिर से बाइनरी फिशन करते हैं, फिर फोर बैक्टीरिया बन जाते हैं। इस तरह से पहले एक सिंगल बैक्टीरिया था, अब टू बन गया, फिर आगे जाके फोर बनेगा, फिर आगे जाके एट बनेगा, और इस तरह से बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है वायरस। वायरस जो है एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता है। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो वायरस क्या है, एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यानी कहने का मतलब क्या है, सेल्स के अंदर जो जो सब्सटेंस होता है वो सारा वायरस के अंदर नहीं होता है, एक्सेप्ट डीएनए या आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो वायरस के अंदर होता है, और इसकी आउटर बॉडी सरफेस पे प्रोटीन कोट से कवर होता है। कहने का मतलब ये देखो, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ वायरस का एक सिंपल सा डायग्राम जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, विच में भी इधर डीएनए या आरएनए हो सकते हैं, फिर बाहर से एक प्रोटीन कोट कवर है। अगर मैं आपको इमेज के जरिए दिखाऊंगी तो फिर जैसे कि ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर का स्पायरल शेप दिखाई दे रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए। ठीक है, और बाकी जो है ये बाहर का जो ब्लू कलर है, येलो कलर है, जो भी कवर है वो क्या है, प्रोटीन कोट है। दैट मीन इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर से एक प्रोटीन कोट होता है, और यही वायरस होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सेल्स का कोई भी स्ट्रक्चर वायरस में नहीं होता है। ठीक है, अब आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कहा जाता है कि वायरस जो है कहीं ना कहीं वो वायरस क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन अगर दूसरे साइड से देखा जाए तो वायरस कहीं ना कहीं क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी कहने का मतलब वायरस ना, वायरस जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में है। वायरस को हम कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते और कंप्लीट एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते। कैसे, मैं आपको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम लोग कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करते हैं। वही यहाँ पे होता है। देखो, वायरस जो है कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, यानी वायरस जो है वो अपने आप ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं करते, और इसके हिसाब से वायरस क्या बना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन जब वायरस किसी लिविंग सेल या लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, यानी वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। समझ में आया, यानी वायरस अपने आप कभी ग्रोथ नहीं करते, लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर होगा तो तब वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो नॉन लिविंग करेक्टर भी दिखा रहे हैं और लिविंग थिंग्स का करेक्टर भी दिखा रहे हैं। इसीलिए ये वायरस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर किंगडम के अंदर देखा जाए तो ये वायरस कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, चले अब वायरस जो है बहुत सारा टाइप्स का होता है, और ये वायरस जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं वो बहुत सारा डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा COVID-19 है, हेपेटाइटिस बी है, HIV/AIDS है, ये क्या है, स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, डिजीज है विच आर कॉज बाय द वायरस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। एल्गी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये एल्गी जब कॉलोनीज में होता तो तब हमें नज़र आता है, बट इन इंडिविजुअली एल्गी हमें नज़र नहीं आता है, बहुत छोटा होता है, देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं।
ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एल्गी जो है एक प्लांट्स है, ठीक है, ये एक सिंपल लॉवस प्लांट्स है, ठीक है। अब एल्गी कहाँ कहाँ ग्रोथ होता है, एल्गी जो है लेक है, सी है, इनमें ग्रोथ होता है, लेकिन कब ग्रोथ होता है, जब वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ जाता है, स्पेशली फॉस्फोरस से, नाइट्रोजन से, जब वाटर के अंदर ये वाला न्यूट्रिएंट्स जब बढ़ जाता है तब एल्गी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जब ये एल्गी एक्सिस में ग्रोथ होता है तो तब हम उसको क्या कहते हैं, एल्गी ब्लूम कहते हैं। जैसे कि ये है, ये आपने ऑब्वियसली देखा होगा बहुत सारा, इसको हम कहते हैं एल्गी ब्लूम कहते हैं। और एल्गी ब्लूम का भी एक सेट इफेक्ट है, जब एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है तो फिर इसी की वजह से बहुत सारे एक्वेटिक फिश है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनका डेथ हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन विच आर कंज्यूम बाय द एल्गी। एल्गी उनको कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, फिर डेथ हो जाता है इनका, ठीक है। अब इसी एल्गी की वजह से आपको वाटर का भी कलर अलग अलग दिखाई देता है, जैसे ग्रीन कलर का वाटर दिखाई देता है, हल्का सा येलो कलर का दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एल्गी। क्योंकि एल्गी जब ग्रीन कलर का होता है, पूरा का पूरा वाटर्स में होता है, तो आपको वाटर ग्रीन कलर का दिखाई देते हैं। ग्रीन रेड कलर का एल्गी की वजह से रेड कलर का वाटर दिखाई देते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्वियसली एल्गी का क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट्स है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस ही करेंगे। फिर इसके हिसाब से क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉप्स हुआ, ठीक है। अब ये है कुछ एग्जाम्पल एल्गी का, क्लाइमेट डोमिनस है, सी विथ्स है, स्पिरोगायरा है, वॉल्वोक्स है, ये सारा का सारा एल्गी है। और ये देख चले, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कवर है। ओके, मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, चलो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस दिया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, सेकंड क्वेश्चन इज अ वायरस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, थर्ड क्वेश्चन व्हाई सी वाटर लुक ग्रीन, फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड फिफ्थ क्वेश्चन ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। ये 5 क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक के रिलेटेड है, और ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और आपका इसका आंसर फाइंड आउट करना है, निकलना है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने फॉरवर्ड करना है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे विद इन 2 डेज, ठीक है। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कवर है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड शब्बा।